हेलो गाइस, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका न्यूज़ पॉइंट। मैं लाया आपके लिए मोटो ब्लॉगर यूट्यूब कम्युनिटी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग से अपडेट। अगर आप भी कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे आमिर माजिद और जॉन ऑस्टन की। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि आमिर माजिद ने जॉन ऑस्टन को पोक करा है, उनके बारे में काफी कुछ कहा है, तो उसी का रिप्लाई देते हुए जॉन ऑस्टन ने भी अपने ब्लॉग में आमिर माजिद को रिप्लाई करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। ब्लॉग में क्या बोल रहे हैं पता है आपको? कहते हैं कि जब हम ब्लॉग बना रहे होते थे तब तुम लड़कियों के सामने स्टंट वगैरह कर रहे होते थे। गाइस बात भी वो कर रहे हैं जो गाड़ियों के टायर खोल के बेचते रहते थे थोड़ी देर पहले जब ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते थे। और भाई क्या बोलूं यार। सो गाइस बात ये है, स्टंट करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, ठीक है, हमारे सामने व्लॉग में आके दो तीन बारी गिरे, फिर हमारे पास आए, जानू भाई व्लॉग डिलीट कर दो यार, अच्छा नहीं लग रहा, बेइज्जती हो रही है ये वो, स्टॉपी मारते गिरे मेरे सामने दो बारी। तो गाइस बात भी वो कर रहे हैं भाई जिनको खुद कुछ आता जाता नहीं है तो दूसरों को पोक करने में लगे रहते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर हर एक चीज़ नहीं होती है भाई, स्किल्स भी कोई चीज़ होती है। बाकी वो बात पता क्या कर रहे हैं, हम जिनके साथ चले थे अभी तक उनके साथ हुआ ऐसा है, उनके साथ कोई भी दोस्त नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि मतलबी बंदों के साथ कोई नहीं रहता। कितना ही जहर होगा भाई उस बंदे के दिल में, कितना जहर होगा, मेरा मेरी बाइक लेकर गया, मेरे नाम का स्टिकर फाड़ गया कि भाई इसका नाम नहीं आ जाएगा मेरे व्लॉग में। सो कोई चक्कर नहीं गाइस, आपको तो पता है मैं चने खड़े चलते फिरते भाई बंदा कोई भी हो सबको शॉर्ट आउट देता रहता हूँ, कोई सिस्टम ही नहीं अपना वैसा। बाकी शॉर्ट आउट हमें लेना भी नहीं किसी से, क्यों लेना है ना। बाकी गाइस बात यह है, अगर आप किसी की बाइक लेकर जा रहे हो यार, ठीक है, तो आप भाई उस बंदे के नाम का स्टिकर कैसे हटा सकते हो, ठीक है। सो जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जॉन ऑस्टन ने आमिर माजिद से रिलेटेड काफी सारी बातें छोटी छोटी पॉइंट पर की हैं। अगर वीडियो को पूरा देखना तो चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो इसी के साथ चलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ, बात करेंगे आलियान ब्लॉग्स की। रिसेंटली आलियान ने अपने वीडियो में बताया कि बहुत ही खराब मौसम होने के बावजूद भी वो व्लॉग बनाने निकले हैं सभी सब्सक्राइबर का प्यार, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपको डेली वो व्लॉग्स देंगे। तो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए आलियान ब्लॉग्स ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी। सो इसी से रिलेटेड आलियान ब्लॉग्स ने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा, आइए जान लेते हैं। गाइस अभी इतनी खतरनाक वाली बारिश हो रही है, कोई भी समझदार इंसान होगा ना वो कभी इस बारिश में व्लॉग नहीं बनाएगा, पर आप लोगों को पता है मैंने आपको बोला कि मैंने डेली व्लॉग्स करने हैं, पर यार नॉर्मल बारिश नहीं हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, इसमें व्लॉगिंग हो ही नहीं सकती है, पर फिर भी गाइस हमने एक्सपेरिमेंट करने का सोच लिया आज। गाइस पहले मैंने सोचा कि अभी रहने देता हूँ व्लॉग बनाना, बिकॉज अभी पहले ही 4 बज चुके और बाहर मौसम की हालत देख रहे हो, बादल देख रहे हो कितने खतरनाक वाले और बहुत ज्यादा खतरनाक बारिश हो रही है अभी। तो गाइस देखते हैं आज का व्लॉग कैसे बनता है, मैं तो ट्राई करूंगा यार व्लॉग कंप्लीट करूं, पर अगर नहीं हुआ तो ज्यादा बारिश आगे फिर हम क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, एक तो लाइफ का रिस्क है ही है बिकॉज रोड गीली होती है, और आज मैं वैसे भी सुपर बाइक लेके जाने वाला हूँ, तो गाइस एक वो रिस्क हो गया, दूसरा अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप का भी रिस्क लेना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आपको पता है जो हमारा माइक है वो कभी भी खराब हो सकता है पानी से, और अपना गोप्रो भी खराब हो सकता है, बिकॉज गाइस जब हम माइक अडैप्टर लगाते हैं तो जो हमारा गोप्रो है वो वाटर प्रूफ नहीं रहता है, तो गाइस अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी खराब हो सकता है, तो उसका भी रिस्क लेना पड़ेगा, पर यार कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बनाऊंगा। सो जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा आलियान ब्लॉग्स अपने आपके लिए कितने सारे रिस्क वगैरह ले रहे हैं अपनी जिंदगी का, अपने जान का, और उसके साथ साथ अपने पूरे मोटो ब्लॉगर सेटअप का। सो आप सभी का उनके चैनल पर जाकर उनको सब्सक्राइब करना तो बनता है, और वीडियो अगर आपको पूरी देखनी है चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो इसी के साथ चलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ, बात करेंगे आमिर माजिद की। रिसेंटली आमिर माजिद गए हुए थे राइड पर, राइड करते हुए उनको बीच में एक बंदा मिल जाता है जो कि उनसे बात करता है, और उनको वो पहचान लेता है कि आप आमिर माजिद हो, लेकिन आमिर माजिद इनकार कर देते कि मैं आमिर माजिद नहीं हूँ, और आमिर माजिद से रिलेटेड उन्होंने उनसे काफ़ी सारी बातें करी, तो बंदे ने आमिर माजिद से रिलेटेड काफ़ी सारे नेगेटिव बातें आमिर माजिद के सामने ही कर दी, तो आमिर माजिद इसके बारे में काफ़ी गुस्सा हुए, और आमिर माजिद ने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा, और उस बंदे से भी जो भी उनकी बातें हुई आमिर माजिद ने दिखाई अपने वीडियो में, आइए देख लेते हैं। भैया हम हैं जम्मू से। हाँ जी। आमिर माजिद? नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम भैया रोहित। हाँ जी आमिर माजिद यूट्यूबर की बात कर रहे हो? आपका चैनल का नाम क्या? भैया ये ऐसे ही लगा रखा है, आमिर माजिद कौन सा वाला जो यूट्यूबर है उसकी बात कर रहे हो? कौन है ना, मजा नहीं है उसकी वीडियो में। अपने खुद के कमाई करें ना, बाप के पैसों से कड़ा हुआ ना। सही बात है। नहीं मैंने ऐसे सुना है कमाया उसने खुद है। बाप इसका टीचर था। ऐसे वीडियो में तो दिखाता है गरीब हूँ मैं। भैया ये मिल जाएगी 10-12 लाख। बोलता रामन में इसके बाप की जमीनें थी एंड जमीनें बेच के इसने बाइक लिया। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो हर सक्सेसफुल बंदे की ना कहानी है भाई। भैया एक बात बोलो, आमिर माजिद मैं ही हूँ, कोई खेत नहीं है, मैंने सारी चीजें खुद बनाई है।
सो वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा आमिर माजिद के सामने ही बंदा आमिर माजिद की उल्टी सीधी बातें करता है और उनके बारे में उल्टा सीधा बोलता है। तो लास्ट में जब आमिर माजिद ने बता दिया कि मैं ही आमिर माजिद हूं, तो बंदे की शक्ल देखने से ही बनती है। और वीडियो अगर आपको पूरा देखना है, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वीडियो जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए मोटो ब्लॉगर ने यूट्यूबर्स के अपडेट के साथ। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी चलोगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसी तरीके से वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।